नमस्कार दोस्तों, फास्ट कार में आपका स्वागत है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी बलिनो का आरएस का, जो इसका टॉप मॉडल है वो 8.5 लाख रुपए का है। और जो ये जो बलिनो है, इसकी एक्स शोरूम कीमत दिल्ली में 8.5 लाख रुपए है। ये बलिनो की बैजिंग, रियर में आपको LED टेल लैंप्स मिलेगी। ये मारुति सुजुकी का लोगो और ये रियर वाइपर, इसके नीचे ही आपका क्रोम का यूज़ दिया गया है। ये जो ब्लैक कलर का यहाँ दिया गया है, ये आपको RS में ही मिलेगा, स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको किसी में भी नहीं मिलेगा। ये रिवर्स पार्किंग सेंसर का आपको कैमरा दिया गया है यहाँ पे। ये RS की बैजिंग ब्लू कलर में दी गई है, काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छी लगती है। ये नेक्सा का लोगो दिया गया ऊपर, स्पॉइलर भी मिलेगा इसमें आपको। RS की खास बात यह है कि आपको फ्रंट एंड रियर में दोनों में डिस्क ब्रेक मिलेंगे और ब्लैक कलर के अलॉय व्हील दिए गए हैं इसमें। अपोलो के 16 इंच के टायर मिलेंगे आपको RS में। ये आपको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। RS में आपको 1000 CC का इंजन मिलेगा। और जो आप ये देख रहे हैं पेट्रोल वेरिएंट है, फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है RS, काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी डेंजर लगती है RS फ्रंट से। और ये फ्रंट में क्रोम का यूज़ किया गया है, ये मारुति सुजुकी का लोगो, फ्रंट में भी काफ़ी क्रोम का यूज़ किया गया। ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डे रनिंग लाइट्स भी मिलेंगी इसमें आपको, नीचे LED फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। ये कुछ ऐसी दिखती है साइड से। RS में आपको 101 BHP की पावर मिलेगी एट द रेट 5500 RPM पे इसका इंजन चलता है। और ये कुछ स्पेसिफिकेशन RS की, RS में आपको 21 की माइलेज मिलेगी और 0 to 100 RS लेस देन 13 सेकेंड में कवर कर लेती है। साइड मिरर, एक्सटीरियर डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलेंगे फ्रंट एंड रियर में दोनों में। चलिए अंदर चलते हैं इसके, कुछ साइड डोर RS का ऐसा दिखता है। इंटीरियर डोर हैंडल भी क्रोम में दिए गए हैं, यहाँ पे भी कुछ स्पेस दिया गया है। फ्रंट एंड रियर में दोनों में आपको पावर विंडो मिलेगी, यहाँ भी बोतल रखने के लिए स्पेस दिया गया है। RS में आपको मोस्टली ब्लैक कलर का ही यूज़ दिया गया है। जो इसकी सीट्स है वो फैब्रिक की सीट्स है RS में। 12V का एक चार्जर मिलेगा रियर में और उसी के नीचे ही कुछ स्पेस दिया गया है। ड्राइवर साइड आपको पॉकेट नहीं मिलेगी रियर में, पैसेंजर साइड पॉकेट दी गई है। आर्म रेस्ट भी नहीं दिया गया RS में, ये देखिए आर्म रेस्ट भी नहीं दिया गया RS में। ये कुछ रियर का व्यू RS का, ये साइड हैंडल, ये कुछ RS का डैशबोर्ड ऐसा दिखता है रियर से। सिंगल टोन इंटीरियर दिया गया, ये रियर रीडिंग लाइट्स फ्रंट में भी और रियर में दोनों में मिलेगी आपको। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया RS में। सेफ्टी के मामले में इसमें आपको 2 एयरबैग मिलेंगे। रियर सीट फोल्डेड है, 60-40 में स्प्लिट हो जाएगी रियर सीट। तो चलिए फ्रंट में चलते हैं। फ्रंट का डोर ऐसा दिखता है ड्राइवर साइड का, ये पावर कंट्रोल्स, फ्रंट इंटीरियर फ्रंट डोर
प्रो में दिया गया है। यहाँ पे भी कुछ स्पेस दिया गया बोतल और रखने के लिए। इधर आप और इसकी बैजिंग हो, इसका प्लेट नहीं मिलेगी। ये कुछ सीट्स एडजस्टमेंट करने के लिए। ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है। RS में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ कंट्रोल दिया गया है। इसी के नीचे ही आपको स्पेस दिया गया है कुछ। ये पैटल्स दिए गए नीचे। बोनट ओपनर आ गया इसी है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में TFT की स्क्रीन दी गई है। यह आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन बताएगी, एवरेज स्पीड बताएगी, डिस्टेंस और एम्प्टी बताएगी और लो लेवल फ्यूल वार्निंग बताएगा इसमें आपको। गियर इंडिकेटर, शिफ्ट इंडिकेटर, टैकोमीटर, ये सब इसमें आपको मिलेगा। एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस भी इसमें बताएंगे मिलेगा आपको। इसमें और इसमें आपको 220 तक की टॉप स्पीड दी गई है। आर एस में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे। ये मारुति सुजुकी का लोगो। ये कुछ वॉल्यूम कंट्रोल दिए गए यहाँ पे। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलेगा इसमें आपको। ये वाइपर के कंट्रोल। ये कुछ लाइट्स के कंट्रोल दिए गए यहाँ पे। ये मिरर, ये रीडिंग लाइट्स दिए गए यहाँ पे। दो लाइट को टच करते ही लाइट जल जाएगी। साइड में मिरर मिलेगा आपको पैसेंजर साइड। और ये लाइट नहीं दी गई यहाँ पे। और जो ड्राइवर साइड है यहाँ पे मिरर ही नहीं दिया गया। ये कुछ कॉल्स के कंट्रोल दिए गए यहाँ पे पिक और कट करने के लिए। 7 इंच की आपको टच स्क्रीन मिलेगी इसमें। 4 स्पीकर दिए गए हैं RS में। और ये कुछ AC ऐसा दिखता है RS का। GPS नेविगेशन मिलेगा इसमें आपको इनबिल्ट ही। और MP3 CD प्लेयर और दोनों मिलेंगे इसमें आपको। FM रेडियो। ये यहाँ पे भी कुछ स्पेस दिया गया है। लाइट नहीं मिलेगी इसमें आपको यहाँ पे। ये ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल दिए गए हैं। RS में आपको पूरा मतलब जो इसका डैशबोर्ड है वो भी पूरा ब्लैक ही मिलेगा। यहाँ पे भी 12V का एक चार्जर दिया गया। और इसी के साइड में भी USB और AUX के लिए जगह दी गई है। इसी के नीचे कुछ स्पेस दिया गया है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी कुछ स्पेस दिया गया। ये गियर पे भी आपको क्रोम का यूज़ दिया गया यहाँ पे। ये हैंड ब्रेक, ये आर्म रेस्ट, इसमें भी काफ़ी स्पेस दिया गया है। इसमें आपको USB और मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा अंदर। ये कुछ ऐसी दिख 340 का आपको इसमें बूट स्पेस मिलेगा। और जो इसका फ्यूल टैंक है वो 37 लीटर का है। स्पेयर व्हील भी इसमें ही दिया गया और टूल्स भी इसके नीचे ही रखने की जगह है। स्पेयर व्हील भी आपको अलॉय व्हील मिलेगा, स्टील अलॉय व्हील। ये बूट ओपनर खोलने की जगह बटन यहाँ पे दिया गया है।
आरएस में आपको 7 कलर मिलेंगे, ग्रे, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज, सिल्वर, वाइट। प्लीज़ कमेंट बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।